सपोर्ट सर्विस देते आ रहे हैं। हम लोग इसके पहले जान चुके हैं हमारे प्रोडक्ट रेंज, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट, हमारे एजुकेशन प्रोडक्ट, राइट फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग जान चुके हैं। और ये भी जाने हैं कि हाउ टू बिल्ड अ लिस्ट, एक लिस्ट कैसे तैयार करना होता है, फ्रेंड्स थ्योरी, जिसमें FRIENDS हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, जॉब होल्डर, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, टीचर, हम सब जान चुके हैं। आज जानेंगे जो लिस्ट हम बना चुके हैं, हमने कंपनी के बारे में जाने हैं, हम ये समझ चुके हैं कि हमारी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त एक बैकग्राउंड की कंपनी है, जान चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में गिने चुने पहले 2-3 कंपनी में स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड का नाम आता है। ये भी जान चुके हैं 20 साल के पुराने ब्रांड है हम, हमारा खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एंड दैट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट, जो कि आई मतलब वर्ल्ड लेवल पे जस्ट रिकॉग्नाइज होने के लिए इंतजार कर रहा है, और काफी रिकॉग्निशन ऑलरेडी मिल चुका है। ये भी जान चुके हैं कि 20 सालों से 50 लाख से ज्यादा संतुष्ट, सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड एसोसिएट इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो जिस कंपनी की बैकग्राउंड इतना मजबूत है, जिस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज इतने अच्छे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रो केयर, इम्यून केयर, हाइजीन केयर, जिस कंपनी की इतने सारे सारे मजबूत प्रोडक्ट रेंज, वाइड प्रोडक्ट रेंज है, बैकग्राउंड इतने स्ट्रॉन्ग है, और साथ में ये भी हम लोग थोड़े बहुत जाने हैं लीडरशिप, इस कंपनी की ऑलरेडी पिछले 20 साल से भारत देश में जिस तरीके का मजबूत लीडरशिप, मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम, एवरी वीक ट्रेनिंग सिस्टम, शायद ही पूरी इंडिया में कोई दूसरी कंपनी के पास होगा। तो दोस्तों, ये आपने आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे स्मार्ट वैल्यू की एसोसिएट बनना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, इस ब्रांड को आगे लेके जाना, इस ब्रांड की एक ब्रांड एम्बेसडर बनना। तो आइए, जब जान चुके हैं कि सब कुछ इतना मजबूत है, तो आगे इस चीज को लोगों को बताए कैसे, यानी इनवाइट कैसे करें, बुलाए कैसे, उसी के ऊपर आज के हमारा ये सेशन है, राइट फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्वालिफाई एंड इनवाइट। हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके इस टॉपिक पर, और आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक पे हमें ये देखना है कि इनवाइट करने का तरीका क्या है, और उससे भी पहले क्यों हम इनवाइट करें। ऑब्वियसली स्मार्ट वैल्यू हमें क्या क्या देता है, हम जानते हैं, ब्यूटीफुल एजुकेशन, जिस एजुकेशन के भारत देश में 1000 से ज्यादा सेंटर है, 6 महीने का हमारा जो प्रोग्राम है आईटी कोर्सेस का, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई आईटी कोर्स है वो है एपीएनएल का आईटी स्मार्ट प्लस स्मार्ट कॉमर्स। हेल्थ, ये वेलनेस, आज जो हम सबको स्वास्थ्य की जरूरत की चीजें चाहिए, चारों ओर एक ही बात चल रहा है, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, पर जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत है वो अपने आप को बचा लेंगे, उसको नुकसान कम से कम होगा। तो हमारे पास एक एक्सेलेंट हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी है जो लोग जानते नहीं है, लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इलाज पे जा रहे हैं, बचाव पे नहीं जा रहे हैं, मेडिसिन बीमार होने का बाद लोग दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारे प्रोडक्ट उनको बीमार होने की नौबत ही ना देंगे, ये तो लोग जानते नहीं है। आज जहां पर कोरोना की परिस्थिति के ऊपर चारों ओर नौकरी जाने की खबर, 32 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाला है, पिछले प्रोग्राम में भी हम लोग दिखाए थे, कोई बोल रहा 40 करोड़ तक भी ये आंकड़ा जा सकता है, काफी कंपनियां बोल दिया है कि 6 महीना तनख्वाह नहीं मिलने वाला है, काफी कंपनी बोल रहा है आधा सैलरी में काम करना पड़ेगा, और काफी कंपनी पिंक स्लिप दिखा चुका है, यानी रिजर्व बेंच में 2 महीना तक तनख्वाह दे रहा है, अप्रैल में जून से काफी लोगों की रोजगार की हाल बहुत खराब होने वाला है, यानी आज की रोजगार एक वायरस लोगों पर कितना भारी पड़ गया, कितने लोगों का नौकरी चला गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग आधा रोजगार हो गए, कितने रोज मरोज कमाने वाला आदमी 2-3 महीने से घर बैठे हुए हैं, और ना जाने अगले 6 महीना, साल भर, 2 साल में कितने इंडस्ट्रीज, एविएशन, एमएसएमई इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इनकी हाल और कितने बदतर होने वाला है, लोगों को पता ही नहीं है। एक बेहतरीन फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है हमारे इस प्रोजेक्ट से, राइट फ्रेंड्स, हम बताएंगे जरूर उसको। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का रिवॉर्ड्स, अवार्ड, एक जगह पर भूखमारी, लाचारी, रोजगार नहीं है, तनखे कम है, और यहाँ पर साल में 2-2 बार फॉरेन ट्रिप्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, लोग जानते नहीं है, लोग जानते नहीं है कि समय की आजादी बोल के भी एक चीज है, कि एक अगर 4-5-10 साल कोई मन लगाकर निष्ठा लगन के साथ स्मार्ट वैल्यू की काम को करे, तो हो सकता है 35-40 की उम्र में ही
उसकी जीवन में समय की आजादी आ जाए, टाइम फ्रीडम, परिवार के लिए देने के लिए ढेर सारे समय और मनी फ्रीडम। तो दोस्तों लोग जानते नहीं है ये सब कुछ मिलता है एक इंडस्ट्री से, कंपनी से, दैट इज स्मार्ट वैल्यू। लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी नीड ऑल दिस, लोगों को इन सब की सख्त जरूरत है। टू लेट देम नो, उनको ये चीज बताने के लिए कि हमारे यहाँ इतने कुछ मिलते हैं यार, आप कहाँ भटक रहे हो, कहाँ 10,000 की नौकरी के लिए लाइन पे खड़े हो, कहाँ आप जिंदगी का 25, 26, 28, 30 साल तक बिना रोजगार किए हुए बिता दे रहे हो। और एक इंडस्ट्री तो ऐसी है जो बाहे फैलाकर बैठी हुई है आपको इन सब चीज देने के लिए, जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें लोगों को इनवाइट करना है। याद रखिएगा, इनवाइट करने का मतलब है न्योता देना, इनवाइट करने का मतलब है उनको मौका देना। मैं पार्थ भूमि, मुझे इस प्रोजेक्ट में मेरे मौसी कलर का मेरा कजिन ब्रदर मिस्टर रंजीत दास, उन्होंने मुझे ये मौका दिया था। अगर उन्होंने मुझे इनवाइट ही ना किया होता तो पार्थो भौमिक के पास कितने भी कुछ क्वालिटी हो, आखिरकार तो कोई भी छोटे मोटे कंपनी में, कोई सरकारी कंपनी में आज छोटे मोटे बाबू नौकरी कर लिया होता। आज जो इतने सारे पैसा, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, प्यार, ये सब मिल रहा है, ये तो मैं इस प्रोजेक्ट में आया तब मिला, और आया आप आया क्योंकि मुझे किसी ने इन्वाइट किया था। सो डियर फ्रेंड्स, इन्वाइट एक बेहतरीन, बहुत जबरदस्त प्रोसेस आपकी बिजनेस बढ़ाने के लिए। इन्वाइट एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस है लोगों तक हमारे इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, एक पागलों की दुनिया, एक शोहरत भरी दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए देखते हैं आगे कैसे इनवाइट करें लोगों को, हाउ टू इनवाइट, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले स्लाइड में। दोस्तों हम सब जानते हैं स्मार्ट वैल्यू की हर एक काम के लिए एक तरीका, एक फॉर्मूला दी हुई है, आपको आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी पता है लोगों को, इनवाइट करने के लिए हम एक थ्योरी की निर्माण किए हैं स्मार्ट वैल्यू सपोर्ट टीम एंड स्पेशली आवर गॉडफादर मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती, जिनको मैं बार बार बोलता हूँ, जिक्र करता हूँ। ही हिमसेल्फ इज एन यूनिवर्सिटी इन दिस इंडस्ट्री, और आज तो बहुत शुभ मुहूर्त में ट्रेनिंग हो रहा है, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं चाहूंगा पूरे स्मार्ट वैल्यू परिवार तहे दिल से उनके जन्मदिन में उनकी सैकड़ों साल की आयु की कामना करें, उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करें। सो डियर फ्रेंड्स, इनवाइट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है, हम जानते हैं फॉर्मेट, FORMAT, यानी किसी से भी जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो एक तरीका, हम लोग आपको एक क्ल्यू दे रहे हैं कि ये बात करके आप अपनी कन्वर्सेशन, वार्तालाप को आगे लेके जाए। जैसे कि सबसे पहले है F, बोले तो फैमिली चिट चैट, यानी परिवार की हालचाल के बारे में पूछना। O यानी ऑक्यूपेशन, काम धंधा पढ़ाई जीविका उनके बारे में जानना। R रिक्रिएशन, थोड़ी मजाक मस्ती, हल्के पुलके बातें। M मनी मैसेज, यानी हमारे प्रोजेक्ट की संदेश उन तक पहुंचाना। A मतलब ये सब पहुंचाने का बात है, अपॉइंटमेंट कब वो आएंगे प्रेजेंटेशन देखने, फिजिकली या ऑनलाइन में फिक्स करना। और T यानी टेक अवे, यानी प्रोजेक्ट के मौका देने के बाद भी एक इम्पोर्टेंट सीरियसनेस क्रिएट करना, ताकि वो आपकी अपॉइंटमेंट की वैल्यू मर्यादा रखे। आइए जानेंगे अगली स्लाइड में डिटेल्स में कैसे इस्तेमाल करें फॉर्म थ्योरी को। तो फॉर्म थ्योरी का जो इनवाइट फॉर्मेट है हम लोग देख चुके हैं, F बोले तो फैमिली चिट चैट, R बोले तो रिक्रिएशन। फैमिली चिट चैट में जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हमें उनको क्या क्या पूछ सकते हैं हम फैमिली चिट चैट में, जैसे कि उनकी परिवार की सब लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं, उनकी माता पिता कैसे हैं, घर में बाकी रिश्तेदार लोग ठीक तो है ना। ऑक्यूपेशन यानी उनकी नौकरी, कारोबार, बिजनेस के बारे में जानकारी, राइट फ्रेंड्स। रिक्रिएशन यानी आजकल के दिन पे जो चल रहा है, जैसे क्या खबर और क्या टीवी क्या देखा इस बीच में, टीवी में क्या देखा, न्यूज क्या देख रहे हो, IPL का क्या खबर है, और क्या टाइम कैसे बिता रहे हो, क्या क्या मूवी देखा ऑनलाइन पे, हल्के पुलके बातें है ना भाई। मैसेज यानी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, चाहे कोई करियर काउंसलिंग बोल दे, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट बोले, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोले, आपके ऊपर बताऊंगा आगे। और जैसे मैंने बताया अपॉइंटमेंट लेना और टेक अवे करना। चलिए थोड़ी अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक एक कैटेगरी को, मतलब एक एक जो फॉर्मूला है इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करें। फैमिली चिटचैट क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग फैमिली चिटचैट में। सबसे पहले फैमिली चिटचैट में आप जो बोल सकते हो वो है,
उसकी परिवार के बारे में जाहिर सी बात है। किसी को भी आप जब बात करते हो, हेलो सुरजीत कैसे हो, और तुम्हारे मम्मी पापा घर में सब ठीक तो है ना, और अभी जो चल रहा है महामारी और अतिमारी कोरोना बोलो मत, पहले ही यार फिक्र होता है कि सबकी माँ बाप सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को तो इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लगा यार तुमने जो बोला कि तुम्हारे घर में सब कोई ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगा। फोन पे मैं बात कर रहा हूँ, परिवार के बारे में पूछा उसकी नजदीकी लोग सब ठीक तो है ना, ask about the health condition of near and dear, यानी उनकी जो नजदीकी लोग हैं और तुम्हारे सारे रिश्तेदार और तुम्हारे दीदी जीजू, वो जो बेंगलोर में रहते थे तुम्हारा बड़ी दीदी ना, वो लोग क्या वही है? ए तुम्हारे जीजा तो बाहर बाहर रहता था लॉकडाउन की स्थिति पे, क्या वो घर आ पाए थे? तुम्हारे घर में तो वो तुम्हारी बुआ जी है ना, वो डायबिटिक थे तो उनको कोई तो कुछ ये तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? यानी फिक्र करना, वो इनवाइट तुम्हारे आपके लेंगे नहीं लेंगे, बात की बात है दोस्तों। ये तो हमारे भारतीय परंपरा की एक साधारण सी कॉमन कल्चर है हमारे, कि हम लोग की पहले हालचाल पूछते हैं और बड़े ये के साथ नेचुरलिटी के साथ यानी दिल लगी के साथ आप ये बात पूछना, ऐसे नहीं कि ये एक फॉर्मूला जैसा, जो भी आप बोलोगे मैं आगे बताऊंगा बड़े नेचुरल तरीके से, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद हम थोड़ा पूछ सकते हैं अभी का जो हॉट टॉपिक है COVID-19, क्या है तुम्हारे एरिया में कंटेनमेंट जोन है, ए जोन बी जोन सी जोन, तुम लोगों का जोन किस में है, और तुम्हारे गली मोहल्ले में किसी का हुआ तो नहीं है, तुम लोग घर से बाहर कैसे क्या निकल रहे हो, बाजार क्या एक ही दिन जा रहे हो, जस्ट आज के दिन की जो कॉमन बातचीत हम किसी से करते हैं, राइट फ्रेंड्स। देन थोड़ी सी आज जब किसी को भी हम पूछे एक बात तो जरूर कहेंगे कि भाई तुम लोग हैंड वॉश तो इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे, तुम तो मास्क जरूर पहन रहे होंगे, मालूम है मास्क बोल रहे एक ही बार इस्तेमाल करके उसको धो डालना पड़ता है, और ये जो सैनिटाइजर है ना ये जेब में कैरी करना ही अच्छा है, और सैनिटाइजर जो ना वही होना चाहिए जो अल्कोहल बेस्ड हो, समझ आ रहे हैं भाई माय फ्रेंड्स, जैसे आजकल की नॉर्मल बातचीत। एंड नेक्स्ट आस्क अबाउट हाइजीन इम्यूनिटी स्टेप्स, ये एक देखिए जो भी हम बातचीत करेंगे थोड़ी नॉर्मल बातचीत करेंगे, और थोड़ी बातचीत हमारा ऐसा होना भी जरूरी है जिस बातचीत के जरिए से हम इनविटेशन की स्थिति को बना सके, हम इनवाइट करने की सिचुएशन को क्रिएट कर सके यानी बना सके। जैसे और तुम तो टीवी में रोज सुन रहे होंगे, अखबार में भी पढ़ रहे होंगे कि कोरोना से लड़ना है तो एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता, एक जरूरी चीज है हाइजीन यानी साफ सफाई यानी बार बार हर एक दो घंटे में हाथ धोना, बाहर से आके कपड़े को डिसइंफेक्ट करना, खाने पीने में बैलेंस डाइट लेना, और अच्छे से नींद होना, थोड़ी एक्सरसाइज करना। तो ये हाइजीन और इम्यूनिटी को लेके तुम अपने परिवार में क्या क्या कदम उठाए हो? वो बोल सकते हैं नहीं मतलब सैनिटाइजर तो यूज कर रहा हूँ और हैंड वॉश भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन खाना पीना तो जैसा था वैसे ही चल रहा है, फिर यहीं पर हमारा एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है? नहीं यार, देखो सरकार ने भी बोल दिया है ये लॉकडाउन तो 2-3 महीना रहेगा, पर कोरोना 3 महीना रहेगा नहीं, लॉकडाउन उठ रहा है, कोरोना नहीं जा रही है, COVID-19 नहीं जा रही है। इसीलिए एक सही डाइट प्लान, एक सही इम्यूनिटी बेस्ड फूड प्लान होना जरूरी है, और इसके लिए हो सके कोई इम्यूनिटी कंसल्टेंट या तो वेलनेस कंसल्टेंट के साथ जरूर डिस्कस करना। मैंने तो किया है और मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है किस तरीके से फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पापा के लिए क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चाहिए, छोटे बच्चे तो उनके लिए क्या चाहिए, सुपर फूड सिर्फ फूड नहीं कौन सी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो बोल सकते हैं ऐसा क्या इम्यूनिटी और हाइजीन, ठीक है यार वो मैं बता दूंगा तुम्हें आगे, बोल के क्यूरियोसिटी अपने क्रिएट किया और थोड़ा फिर उसको टेक अवे भी कर दिया। कोई बात नहीं, तुम अगर सीरियस हो तो मैं आगे बात कर रहा हूँ इसको लेके, यानी आपने एक इंटरेस्ट डाल दिया उसके अंदर, सब लोग बोलेगा सैनिटाइजर, सब लोग बोलेगा हैंड वॉश, बट इम्यूनिटी फूड न्यूट्रिशन सुपर फूड ये कोई नहीं उसको बोलेगा, नए शब्द वर्ड जैसे ही वो सुनेगा उसके अंदर उत्सुकता पैदा होगा, वो इनवाइटी होने के लिए तैयार होता रहेगा मेंटली, राइट फ्रेंड्स। आइए अब आगे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो फॉर्मेट थ्योरी में एक एरिया दैट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से ही हम लोग बहुत ही अच्छे से इनवाइटिंग में एंट्री कर सकते हैं।
ऑक्यूपेशन बोला तो काम धंधा, अगर वो स्टूडेंट है तो पूछिए भाई पढ़ाई कैसे चल रहा है सर, क्या क्लासेस क्या जूम में हो रहा है, ट्यूशन क्या ऑनलाइन में ही ले रहे हो, और कॉलेज क्या चल रहा है, एग्जाम कितना पीछे हो गया। अगर जॉब वाले हैं तो पूछे क्या क्या चल रहा है तुम्हारा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या, तुम्हारे कंपनी की हालत कैसा है, इन क्या क्या लग रहा है, तनख्वाह क्या पूरी दे रही है, या कंपनी क्या बोल रहा है कि अभी आधा तनख्वाह में काम करना पड़ेगा, या हलचल कैसे देख रहे हो। अगर वो पढ़ाई खत्म करके जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो पूछिए आपका दुकान क्या खुल रही है, कैसा लग रहा है आपको मार्केट, अगर खुल रहा है तो कस्टमर कैसे आ रहे हैं। यानी उनकी पढ़ाई, उनकी जॉब, उनकी बिजनेस के बारे में थोड़ा हालचाल पूछना। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, आस्क अबाउट हिज करियर और प्रोफेशनल गोल। चलो यार ये तो चल रहा है हाल, पर भविष्य के बारे में, करियर के बारे में क्या प्लान कर रहे हो, व्हाट इज योर गोल, लक्ष्य क्या सोच रहे हो। कोरोना आया चलेगा, एक महीने, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, पर फ्यूचर के बारे में भी तो प्लान करना है। देखो कोरोना की परिस्थिति बहुत सारे नौकरी के लिए खतरा तो पैदा किया है, पर अगर आंखें खोल के देखो तो काफी सारे सेक्टर के लिए मौके भी पैदा किए हैं। बोले कैसा, जैसे हेल्थ एंड इम्यूनिटी सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा, हाइजीन केयर एंड सुपर फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगा, वर्क फ्रॉम होम, ई बेस्ड प्रोजेक्ट, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत आगे बढ़ेगा। बोले ये सब क्या है, कोई बात नहीं, तुम अगर ये सब के बारे में जानकारी चाहते हो मैं जरूर तुम्हें डिस्कस करूंगा, पर उसके लिए बताओ तुम्हारा इनकम या मटेरियल गोल कैसा है, मतलब तुम कैसे सोच रहे हो आने वाला दिन पे कितना इनकम होने से अच्छा होगा। या तुम्हें नहीं लगता है कि इस परिस्थिति में हमें एक अच्छा इनकम होना बेहद जरूरी है, या हर रोज अगर हम ऐसे तो खर्चे पानी था ही, अब ऊपर से ऐड हो गया सैनिटाइजर, ऐड हो गया मास्क, ये देखो ऑटो में बोल रहा है चार आदमी नहीं बैठेगा दो आदमी बैठेगा तो किराया ज्यादा लगेगा, प्राइवेट बस में आधा कर्मचारी की आधा पैसेंजर के साथ जाएगा तो भाड़ा बढ़ेगी, लोकल ट्रेन नहीं चल रहा, अपने गाड़ी से चल सकते हो तो अपने गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। यानी कोरोना परिस्थिति आखिरकार हमारे खर्चे के ऊपर और बोझ बढ़ाने वाला है, तो इसीलिए तुमने क्या सोचा है आने वाला दिन पे कितना इनकम होने से परिवार ठीक से चल पाएगा। बोल के इनकम करना क्यों जरूरी है और उसकी इनकम के बारे में क्या सोच है, वो बोल सकता है हाँ यार सोच तो रहा हूं एक 15-20 हजार तो इनकम आने आज के दिन में होना ही चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अगर वो ऐसे बोलते दोस्तों, सीनियर लीडर्स मेरे आवाज ठीक से आ रहा है सबको? हाँ दादा एकदम क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। तो परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। तो हम पूछ सकते हैं अगर वो बोलता है कि देखो सच बोलो तो 20-25 हजार के नीचे आज के दिन में क्या होता है, साथ साथ ही मैं उसको पूछ सकता हूँ बहुत अच्छा तो 20,000 रुपया रोजगार के लिए कोई तरीका या रास्ता तुम्हारे पास अभी है? बोलेगा है तो नहीं पर देखना पड़ेगा। इसी जगह से हम एंट्री ले सकते हैं, अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छा मेरे को भी बताना, क्योंकि मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स मेरे को पूछ रहे थे, क्योंकि काफियों का जॉब के हाल यार बहुत बुरा है, काफी इंडस्ट्री रिसेशन में जा रहा है, उनको भी चाहिए अच्छे खासे जॉब। बोले नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई खबर ऐसा होगा ना, न्यूज कोई इंडस्ट्री के बारे में, कोई ओपनिंग कहीं पे लोग लिया जा रहे मेरे को बताना। बोलेगा नहीं यार अभी तो मेरे को पता नहीं। अच्छा ऐसा, तब तो यार मेरे को जो पता है मुझे लग रहा है वही बहुत अच्छा है, तुम्हें क्या पता है, तुम किस में हो? यार एक्चुअली मैं ना कुछ समय से जस्ट ये कोरोना परिस्थिति से पहले पहले ही मैंने जब देखा कि मौके किस चीज का बन रहा है, मैंने देखा सुपर फूड इंडस्ट्री, हेल्थ एंड हाइजीन इंडस्ट्री, राइट, तो तुरंत मैंने नेट में देखने के बाद संपर्क किया मेरे ही एक जान पहचान वाले को, और उसने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया, और सच में यार मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि आने वाला 2-4-5-10 साल में तो अगर ग्रो करेगा तो यही इंडस्ट्री ग्रो करेगा। एक्चुअली ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, हमें पता नहीं था, आज हमें पता चला। ऐसा क्या है ये, यानी उत्सुकता पैदा करना। यानी माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम बातचीत करें, सारे बातचीत के अंदर हमें अपने बिजनेस की जो मनी मैसेज है यानी ऑफर जो है उसकी एंट्री कहीं ना कहीं ढूंढना ही है। सिर्फ फिजूल की बातें नहीं करेंगे, बातें हम मतलब के करेंगे, जो बातें हमें अपने स्मार्ट वैल्यू की इनवाइट करने में की रास्ता मुझे खोल दे। एंड लास्ट में
create curiosity to do something better for his career. यानी उसके अंदर उत्सुकता पैदा करना है. कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इतने ढीले टाइप के, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, नौकरी के बारे में भी कुछ नहीं सोच रहा है. 7-8 हजार का जॉब कर रहा था, अब वो रहेगा नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं है. ऐसे जगह पे हम उनको बोल सकते हैं, यार देखो आने वाला दिन पे जो दिन आ रहा है ना, बहुत पहले से हमें तैयार रखना पड़ेगा. मैंने तो कोरोना परिस्थिति मुझे, मैंने तो एक चीज सीख लिया यार, आने वाला दिन पे अब 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, आने वाला दिन पे कोरोना की बदले में करीना या कैटरीना आएगा. अगर साल भर लॉकडाउन होगा तो परिवार कैसे चलेगा यार. कोई दमदार रोजगार करना पड़ेगा. ये कोई वायरस कभी नौकरी छीन लेगा, कभी बैक्टीरिया नौकरी छीन लेगा, कभी फंगस नौकरी छीन लेगा. ये हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है कि हम लोग के करियर के साथ? करियर तो ऐसे होना चाहिए कि वायरस बैक्टीरिया किसी से भी कोई नुकसान ना पड़े. और मैं तो बहुत सीरियसली सोच रही हूँ, और तुम भी अगर सीरियस हो तो शायद मैं भी तुम्हें एक अच्छा मौका दे सकता हूँ. यानी ऑक्यूपेशन एक ऐसा कॉलम है जहां से हमारा आगे बिजनेस में इन्वाइट करना आसान हो जाता है. आइए दोस्तों, अब रिक्रिएशन फॉर्मेट थ्योरी की तीसरे FOR रिक्रिएशन के बारे में जानते हैं. राइट फ्रेंड्स, रिक्रिएशन की मतलब है थोड़ी हल्के पुल की बातें, थोड़े मजाक मनोरंजन की बातें. इसीलिए थोड़ा सा उसको ये पूछ सकते, यार ये सब होता तो रहेगा काम धंधा, ये बताओ फिल्म कौन सा देखा, ये बताओ भाई कितने टाइम दे रहे हो फेसबुक में, ऑनलाइन में लूडो भी खेल रहे हो क्या, और क्या क्या कर रहे हो, पुराने मैचेस देख रहे हो क्रिकेट का, फिल्म कितना देखा, हॉलीवुड फिल्म क्या देखा, पबजी में कितना स्कोर किया. थोड़ी हल्के पुल की बातें, थोड़ा आज के दिन का कोई हल्का फुल्का ही. यार देखो कोरोना में हाल क्या कर दिया, आज सभी को अपने बीवी के साथ रहना पड़ रहा है, जो भारतीय लोगों का भी आदत नहीं था. थोड़ी हंसी मजाक की बात है. देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दिन ना मिलने से ठीक नहीं रह सकते थे, आज सबको डंडा लगा दिया 2-2 महीने घर पे बैठ के. थोड़ी हंसी मजाक की, आजकल के ऊपर जो फनी जोक्स वगैरह चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं. थोड़ा दोस्ती यारी में जैसे बात होता, और बोल तेरा खबर क्या है, तेरा क्या है अभी भी, या गई गर्लफ्रेंड, 2 महीने के चक्कर में ट्राम हुई, ओवर ट्राम हुई. हल्की फुल्की कोई भी बातें आप फ्रेंड के साथ कर सकते हैं. जॉब होल्डर है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, वो अपने अपने तरीके से कोई मजाक मस्ती की थोड़ी बहुत बात कर सकता है. पर याद रखिए, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मत जाइए. कंट्रोवर्सी यानी ऐसे टॉपिक जो कोई झगड़ा छेड़ सकता है. यार मोदी ने 2 महीना लॉकडाउन कर दिया, तो मोदी ये नहीं करता तो क्या करता, ये देखो लेबर लोग नहीं आ पा रहे, कितने लेबर मर जा रहा है, तो सरकार क्या करे. ये सब ऐसे बातों पे छेड़ना ही नहीं है, बल्कि फील फेल्ट फाउंड, यानी जो वो बोल रहा है उससे सहमत कीजिएगा. मोदी मुझे लगता है ये सही नहीं किया, सही बोल तो रहा है, लोगों को तकलीफ तो सच में हो रहा है यार, दुख तो बहुत होता है जब टीवी में देखते हैं. हेलो, समझ आ रहा है. ये लॉकडाउन मुझे लगता है ठीक नहीं था, बात तो सही है यार, जो भी है, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं छेड़ना है सेंसिटिव, खास करके पॉलिटिक्स, जिससे कि कोई झगड़ा छेड़ जाए. राइट फ्रेंड्स, एंड इतना याद रखिए, उसको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में उत्सुकता पैदा करते रहना है. चाहे हंसी मजाक से ही सही, यार कोरोना ने जो करके दिखा दिया ना, आने वाला दिन पे तैयार रहो कम से कम 200-400 किलो चावल डावल आटा गेहूं सब कुछ घर पे रखने के लिए. कोरोना ने जो कर दिया ना, बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज सारे बंद है. पहले तो हमारा बच्चे का ट्यूशन सारे बाहर से ही हुआ करता था, अब लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा किताब विताब खोलना ही पड़ेगा. जो भी है, ऐसे उसके अंदर ऐसे कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करो, यार कोरोना ने जो कर दिया ना, समझ में आ गया, एक रोजगार के रास्ते से तो बात चलने वाली नहीं है, साइड धंधा इनकम तो करना ही पड़ेगा. यानी कुछ भी बात करे, उत्सुकता पैदा करे, ताकि इनवाइट किया जा सके. माइक तो जोल दाओ ना. नेक्स्ट, रिक्रिएशन की बात दोस्तों, मनी मैसेज मेन मुद्दा. बात कर लिए परिवार कैसे हैं, नौकरी का हाल क्या है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, हल्की पुल की बातें भी कर लिया. आप आएंगे हमारे मेन मुद्दे पर. तो भाई तुमने तो बोला कि पढ़ाई चल रहा है और आगे करियर के बारे में भी कोई इतना ढंग से लग नहीं रहा है, तो तुम्हें लगता नहीं है क्या कि आप